अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एडोब फोटोशॉप डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे पहले। सबसे पहले हम फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं। फायरफॉक्स ओपन करके गूगल में टाइप करते हैं एडोब फोटोशॉप ओल्ड वर्जन 64-bit विंडोज 7 गेट पीसी जोन से हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ये पहला लिंक आएगा आपने इस पहले लिंक पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ गेट पीसी जोन का इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से 32-bit या 64-bit डाउनलोड कर लेना है। तो मैं 64-bit डाउनलोड करता हूँ। तो प्रिपेयरिंग हो रही है। यहाँ से हमने क्लिक टू प्रोसेस पर क्लिक करना है और इस तरह से ये डाउनलोड प्रोसेस में चले जाता है। स्टार्ट डाउनलोड पे यहाँ क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो कुछ देर आपने इंतज़ार करना है जब तक के डाउनलोडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। इस तरह हमारी वीडियो का एक पार्ट यानी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने इंस्टॉलेशन करनी है। तो यहाँ से ओपन पर हम क्लिक करेंगे, बाद इसको एक्सट्रैक्ट टू कर लो ताकि एक्सट्रैक्ट टू करने से जितनी भी फाइलें हैं वो आपके कंप्यूटर में आ जाएंगी। तो मैं इसको सॉफ्टवेयर फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर को क्लिक करने से के बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके कर ये एक्सट्रैक्ट होकर तो सॉफ्टवेयर के फोल्डर में शामिल हो चुकी है। तो यहाँ से हम इसके सेटअप में जाते हैं। सेटअप में जाने के बाद इसकी एग्जिट फाइल को हम रन कर देते हैं। यस, और इस तरह से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहां से हम करते हैं नेक्स्ट। ये कहता है कि आप इस दौरान में कंप्यूटर को रीस्टार्ट मत करना, ये एक नोटिफिकेशन है। ओके, तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं एग्रीमेंट को। अब हमने यहाँ पर सीरियल नंबर देना है, सीरियल नंबर। तो हमने इसमें चेक करना है फोल्डर के अंदर के सीरियल नंबर है या नहीं है।
तो अब हमने इसका सीरियल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। सीरियल नंबर चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर का फोल्डर के अंदर जो सॉफ्टवेयर का फोल्डर है उसमें जो फोटोशॉप रीडमी वाली फाइल है उसमें सीरियल नंबर दिया है या नहीं दिया, इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम इसके रॉ फोटोशॉप वाला फोल्डर में आते हैं और यहाँ पर रीडमी वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर सीरियल नंबर कहीं नज़र तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, नीचे और नीचे, मगर यहाँ पर कहीं पर भी सीरियल नंबर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अलग से इसका जो सीरियल नंबर है उसकी एक नोट पैड में मैं फाइल बना लूँ। तो सीरियल नंबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं और इसको ओपन करते हैं और गूगल में जाकर सीरियल नंबर ऑफ फोटोशॉप 7 क्लिक करते हैं और इसका ये सीरियल नंबर आया। सीरियल नंबर को यहाँ से की कॉपी, कॉपी करने के बाद नोट पैड में इसको सेव कर लेंगे। इसके दरमियान में जो गैप है ये निकाल लेना है ताकि वहाँ पर कोई मसला ना आए, और यहाँ पर लिख लेंगे सीरियल नंबर फोटोशॉप। सीरियल नंबर ये सेव कर लिया और सेव करने के बाद इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इस तरह ये सीरियल नंबर भी कामयाब हो गया है। इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जारी है। तो यहाँ पर हमारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको फिनिश कर देंगे। तो चलो अब इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी जो इंस्टॉलेशन हुई है वो कामयाबी से हुई है कि नहीं। तो देखो नाज़रीन, किस ज़बरदस्त अडोब फोटोशॉप रन कर रहा है। लो जी, अडोब फोटोशॉप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस में मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यू चेक कर लेते हैं। नाउ कंप्लीट इंस्टॉलेशन, ये एडिट की फाइल है, फाइल एडिट, मुख्तलिफ किस्म के इसमें मेन्यू और मुख्तलिफ किस्म के इसमें काम करते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने कंप्यूटर में अडोब फोटोशॉप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो सके। तो इस तरह से अडोब फोटोशॉप इंस्टॉल हो चुकी है। तो एंजॉय। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।